हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 पीएसईबी सीबीएसई का फिजिक्स का यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक करंट रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ का लेक्चर 19 करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि रेजिस्टेंस क्या होती है, तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, दैट इज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एल। इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। जो रेजिस्टेंस होती है वो इन्वर्सली डिपेंड करती है एरिया ऑफ द कंडक्टर पे। अगर आप इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करो, 1 और 2 को कंबाइन करो, तो आपके पास क्या आएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। या फिर इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए आप यहाँ पे क्या करते हो, ये रो सिंबल यूज करते हो और इस रो को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर सिंपल रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो रेजिस्टिविटी होता क्या है, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होती है, इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर। वो होती है कितनी रेजिस्टेंस कोई भी वायर ऑफर कर रही है, जिसकी लेंथ है, जिसकी यूनिट लेंथ है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिट है। मतलब क्या है, वो कितनी रेजिस्टेंस कोई भी वायर ऑफर कर रही है, वो वायर जो यूनिट लेंथ की वायर और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वायर कितनी रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है, उस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी के जो यूनिट्स होते हैं, इसका रेजिस्टिविटी के यूनिट्स क्या होते हैं, ओहम मीटर। रेजिस्टेंस के यूनिट, रेजिस्टिविटी के यूनिट्स होते हैं ओहम मीटर और इसका सिंबल होता है इस तरीके से, ओहम और मीटर का एम। तो इसका सिंबल, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसकी ये है। नेक्स्ट इन्होंने बोला है रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है, इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर एंड इट्स टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है कि किस नेचर की मटेरियल है, मतलब कि जो वायर बनी है वो किस नेचर की है, किस तरह का मटेरियल से बनी है वो, और दूसरा उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अब हम उन्होंने पीछे बात की थी यूनिट लेंथ, अब सपोज यूनिट लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या बोला था, यूनिट। सपोज करो लेंथ है 1 और एरिया भी है 1, तो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस किसके बराबर आएगी, रो के बराबर आएगी, दैट इज रो इज इक्वल्स टू आर। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंडक्टिविटी। अगर आप रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल करो तो वो क्या होती है हमारे पास, कंडक्टिविटी। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। जो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी और इसका सिंबल होता है सिग्मा। इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का सिंबल होता है सिग्मा और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। और इसके ऐसा यूनिट क्या होते हैं, ये रेजिस्टिविटी के ऐसा ही यूनिट होते हैं ओहम मीटर। तो कंडक्टिविटी क्या होंगे, ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स इसके यूनिट है, और आप इसको मोहो मीटर इनवर्स भी लिख सकते हो या फिर साइमन मीटर इनवर्स भी कह सकते हो। तो ये कंडक्टिविटी के यूनिट्स हैं, रेजिस्टिविटी के यूनिट ओहम मीटर, कंडक्टिविटी के यूनिट ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स, क्योंकि रेसिप्रोकल में आ गया वो। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, द टोटल वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट फॉर अ गिवन टाइम। टोटल कितना वर्क डन करना पड़ता है ईएमएफ को ताकि जो सर्किट है उसमें इलेक्ट्रिक करंट मेंटेन हो सके गिवन टाइम में, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन द सर्किट। सपोज वी इज इक्वल टू आई डॉट आर, ये आपने किसमें पढ़ा था, ओहम्स लॉ में पढ़ा था। चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इंटू टाइम, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। तो वी की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, सॉरी वी एज इट इज रहेगा, क्यू की जगह आ जाएगा आई इंटू टी, तो ये डब्ल्यू आ जाएगा वी आई टी के बराबर। ऐसे यूनिट जो होते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के होते हैं जूल। नेक्स्ट बोला इन्होंने इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या होता है, द रेट एट विच वर्क इज डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। द रेट एट विच, कितनी पावर लगानी पड़ रही है ताकि जो वर्क डन है, कितना वर्क डन हो रहा है सोर्स ऑफ ईएमएफ को इलेक्ट्रिक करंट मेंटेन करने में, उसको किसी भी सर्किट में, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। द रेट एट विच वर्क इज डन, कितना काम हो रहा है सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करने में, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, और वर्क पावर की एक और डेफिनेशन वो है वी डॉट आई।
ऐसे यूनिट जो होते हैं इलेक्ट्रिक पावर के वो होते हैं वॉट, और 1 वॉट किसके बराबर होता है, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर के बराबर होगा। 1 वॉट में क्या आएगा, 1V इंटू ए, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। द इलेक्ट्रिक पावर ऑफ अ सर्किट और अ डिवाइस इज सेट टू बी 1 वॉट। इलेक्ट्रिक पावर किसी भी सर्किट की या फिर किसी भी डिवाइस की इलेक्ट्रिक पावर 1 वॉट तब होगी जब उनमें से 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा और पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 वोल्ट। उस केस में जो आपकी पावर होगी वो होगी 1 वॉट। जो बिगर यूनिट्स होते हैं पावर के वो होते हैं किलोवाट और मेगावाट। 1 किलोवाट में 10^3 वॉट होते हैं और 1 मेगावाट में 10^6 वॉट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दिया है कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंसेस कलर कोड। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वेरी ओवर अ वेरी वाइड रेंज। जो वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की जो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज होती है वो बहुत चेंज होती रहती है। सच हाई रेजिस्टेंस यूज्ड आर यूजुअली कार्बन रेजिस्टेंस। तो इतनी हाई रेजिस्टेंस के लिए कार्बन रेजिस्टेंस यूज किए जाते हैं, और जो वैल्यू होती है इस तरह के रेजिस्टेंस की वो क्या होते हैं, कलर कोडिंग होती है उनकी। पढ़ते हैं क्या है कलर कोडिंग। अ कार्बन रेजिस्टेंस हैज यूजुअली 4 रिंग। जो कार्बन रेजिस्टेंस होती है उनमें 4 रिंग्स होती हैं या फिर 4 बैंड होते हैं, ए बी सी और डी। कार्बन रेजिस्टेंस में 4 बैंड होते हैं ए बी सी और डी, जो कि अलग अलग कलर्स के होते हैं। द कलर ऑफ फर्स्ट टू बैंड ए एंड बी इंडिकेट द फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन ओहम। जो पहले 2 बैंड होते हैं कार्बन रेजिस्टर में उनमें जो वैल्यू होती है वो ओहम्स में दी होती है। एंड द थर्ड बैंड सी इंडिकेट द डेसिमल मल्टीप्लायर। जो थर्ड वाला होता है वो डेसिमल मल्टीप्लायर मतलब 10 की पावर में वैल्यू होती है। द कलर ऑफ द फोर्थ बैंड डी सेल्स टॉलरेट टेल्स द टॉलरेंस ऑफ द रेजिस्टेंस। और जो डी होता है ये टॉलरेंस डिसाइड करता है कि इतनी टॉलरेंस होगी रेजिस्टेंस की। फर्स्ट टू क्या होता है, वैल्यू बताता है ओहम में, सी वाला जो होता है डेसिमल में, और डी क्या होगा, टॉलरेंस। अब क्या है, इन कार्बन कोड की ये जो 4 कलर दे रखे हैं इनमें ए बी सी और डी की जगह कलर यूज किए जाते हैं और उन कलर के लिए कोड दे रखा है। जैसे बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो इसमें हर एक जो वर्ड है इसका, हर एक जो लेटर है उसका हर एक कुछ कलर कोडिंग है। जैसे बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू, वी फॉर वॉयलेट, जी फॉर ग्रे, डब्ल्यू फॉर व्हाइट। तो इस तरीके से अलग अलग कलर है, उसकी अलग अलग क्या, अलग अलग वैल्यू होती है। जैसे कि यहाँ पे देखो बी बी रॉय ग्रेट से जी, ब्रिटेन से बी, वेरी से वी, गुड से जी, वाइट से डब्ल्यू। अब इनके कलर नेम लिख रखे हैं ब्लैक ऑरेंज, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वॉयलेट ग्रे व्हाइट। उसके बाद इनकी वैल्यूज दे रखे हैं, जैसे ब्लैक की है 0, ब्राउन की है 1, रेड की है 2, ऑरेंज की है 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वॉयलेट 7, ग्रे 8, व्हाइट 9। अब मल्टीप्लायर में दे रखे हैं 10 की पावर 0 ब्लैक के केस में, ब्राउन के केस में 10 की पावर 1, रेड के केस में 10 की पावर 2, ऑरेंज 10 की पावर 3, येलो 10 की पावर 4, ग्रीन 10 की पावर 5, ब्लू 10 की पावर 6, वॉयलेट 10 की पावर 7, ग्रे 10 की पावर 8, व्हाइट 10 की पावर 9। अब जो टॉलरेंस दे रखे है उसके लिए दे रखा है गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। गोल्ड की वैल्यू है 5%, सिल्वर की है 10% और नो कलर है 20%। अब जैसे यहाँ पे आपको 4 दे रखा है, कार्बन रेजिस्टेंस दे रखा है। सपोज करो जो आपकी ए है यहाँ पे है आर, बी पे है ओ, सी पे है यहाँ पे वाई, और डी पे जो टॉलरेंस है वो दे रखी है सपोज करो यहाँ पे गोल्ड है, ठीक है। तो आपको ने क्या करना है, इनकी वैल्यू स्पोर्ट करनी है। आर फॉर रेड की वैल्यू कितनी है, देखो रेड की है 2, ठीक है 2 है। उसके बाद आपने देखनी है 2, और नेक्स्ट है आपके पास ऑरेंज, ऑरेंज की है 3, तो 2 3, फिर उसके बाद इनटू मल्टीप्लायर में लिखना है येलो, येलो की वैल्यू है 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 लिखने के बाद आपने क्या लिखनी है टॉलरेंस। गोल्ड की कितनी है, टॉलरेंस को लिखने के लिए प्लस माइनस, गोल्ड की कितनी है 5%, यहाँ पे आपने लिख देना है 5%।
अब अगर सपोज करो आपको तीनों सिर्फ कलर दे रखे हैं और ये फोर्थ वाला नहीं दिया हुआ है, मतलब टॉलरेंस नहीं दे रखी है, तो इन केस ऑफ नो टॉलरेंस, अगर टॉलरेंस गिवन नहीं होगी, डी नहीं होगा, तो आपने नो कलर 20% ले लेना है। अगर आपको यहाँ पे टॉलरेंस नहीं दी होती तो आप क्या लेते, प्लस माइनस 20%। तो नो कलर के लिए क्या लेनी है आपने, टॉलरेंस लेनी ही लेनी है, और वो लेनी है आपने 20%।